अस्सलामुअलैकुम गाइस, मेरा नाम एहसन मलिक और आज के मामलात कुछ इस तरह हैं कि मैं इस बार यूनाइटेड ऑटो आया हूँ ज़रवई के पास और इस बार आपके लिए बहुत ही मज़े के बाइक्स लेके आए हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपको तारुफ करेंगे ज़रवई का, ठीक है। और इनके पहले जो काफ़ी मैंने ब्लॉग्स अपलोड किए उनमें आपको उन्होंने देखा होगा काफ़ी बार, और काफ़ी अच्छे बाइक्स के साथ आए थे, S2 हायाबूसा और R6 और डिफरेंट बाइक के साथ आए थे। लेकिन इस बार जो बाइक आपको मैं अभी दिखाने वाला हूँ, ठीक है, तो बहुत मज़े की चीज़ है और इस बाइक को कहते हैं मंकी बाइक। तो मंकी बाइक आपको दिखाते हैं, ये पिंडी वालों के लिए, ठीक है, और बहुत मज़े की चीज़ है। चेक इट आउट, ये चेक करें भैया, ये मंकी बाइक है और इसकी सारी इन्फॉर्मेशन ज़ाहिर भाई देंगे। ज़ाहिर भाई शुरू करें और स्टार्टअप करेंगे, सबसे पहले तो CC बता दें कि कितना CC है ये। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सब भाइयों, क्या हाल है, कैसे, ठीक है। तो फर्स्टली ये 110 CC है और ये 49 CC में कन्वर्ट है। आपको पता है कि 49 CC का डॉक्यूमेंट चाहिए। मिनी बाइक, मंकी बाइक इसको कहती हैं। साइज इसका छोटा है मगर है धमाका, चलने में 70 को आराम से पीछे छोड़ सकते हैं। इसकी परफॉर्मेंस ऐसी है, मेरे एक लोग में मैंने एक वीडियो अपलोड की थी इस पर टिकटॉक पे, ये ऐसे मेरे को पता है, तो उस पर मैंने इसका पूरा मतलब चला के भी दिखाया, उस पर व्हील भी कर रहा हूँ, 1 व्हील पे बाइक चला रहा हूँ, बाइक सर्कल की तरह घुमा रहा। अच्छा, ये अभी आपको जरा सुना व्हीलिंग खिलेंगे जरा चच के पिंडी वाले दिखाएंगे, लेकिन और बहुत ये देख रहे हैं इनकी रवानी, देख रहे हो इनकी नई नई स्टाइल में आ रही है। तो इनका सबसे मजे की बात है कि नीचे इनका टिकटॉक अकाउंट आ रहा होगा, जाके इनको फॉलो करें, बहुत मज़े मज़े बाइक्स की वीडियोस अपलोड कर रहे होते हैं और वहाँ पर आपको काफ़ी बाइक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, इनका नंबर मिल जाएगा, नंबर भी इनका नीचे आ रहा होगा, तो आप इससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो इंस्टाग्राम पर लाजमी इनको फॉलो करें, बहुत अच्छे लोगों के एक तो रिव्यू भी पूरे बाइक आपको मिल जाएगा और सेकेंडली आपको इनकी इन्फॉर्मेशन प्राइस सब कुछ पता लग जाएगा। ऑल इन्फॉर्मेशन, ऑल काइंड्स ऑफ बाइक्स अवेलेबल एट यूनाइटेड ऑटो मोटरस्पोर्ट्स, 03135778786। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं, ना हो गया लड़का। सो अच्छा, आपका कहना है कि ये है 110 सीसी इंजन है इसका, 110 सीसी है कन्वर्ट 49 सीसी में। जो 49 सीसी होते हैं उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। अच्छा, मतलब ये इसको नंबर शमर नहीं लगेगा, ठीक है, मतलब कोई पुलिस वाले रोके तो हम लोग बता सकते हैं। तो इसका कुछ लाइटर शटर या कुछ रोम का 30 लाइटर होता है, बस वो आपको दिखाना है। अच्छा, उसके बाद ये टैंक इसका कितने का है, कितना लीटर इसका? 11 लीटर का टैंक है। इजी, और इसमें दो बंदे बैठ सकते हैं या नहीं, मतलब बैठे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? बड़ा बंदा इजीली बैठ सकता है, दो बच्चे बैठ सकते हैं, बैठ सकते 10 से ऊपर साल का बच्चा चला सकता है। ये बाइक फुल मैनुअल है, इसका क्लच है, सही है, इसका क्लच है और इसकी डिस्प्ले भी फ्रंट फर्स्ट की, इसकी डिस्प्ले का अलग है। आपको 71:5 में डिस्प्ले नहीं आती, इसमें डिस्प्ले आएगी और इसको मैनुअल बाइक है, इसके गियर्स हैं जैसे ये, मतलब इजीली 71:5 का कर लेंगे उससे ज्यादा। उसके बाद इसका सेल्फ स्टार्ट है, ठीक है, पर सबसे बड़ी बात सेल्फ स्टार्ट है, अभी तो शायद इसकी बैटरी डाउन है। हाँ, अभी आप कहते हैं किक स्टार्ट, किक भी है इसकी, साउंड सुनाते हैं भैया। अच्छा, ये इसका एग्जॉस्ट आ रहा है यहाँ से, ठीक है, सिलेंसर इसका आ रहा है और बहुत मज़े की, मतलब ना एक साइड लुक उन्होंने दी और बहुत मज़े का आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर इसका फिल्टर लगा हुआ है, ठीक है, और कार्बोरेटर इसकी देख रहे हैं, कार्बोरेटर की बड़े मज़े की एक्ट्रेशन हुई हुई है, चेक करें। यहाँ पर इसका हैरन लगा हुआ है, ये इसका फ्रेम आ रहा है, चेक करें। साउंड है ना, सिंपली साउंड है मेरे सामने, बाकी आप इसमें मुझे नहीं लगता इसमें एग्जॉस्ट लग सकता है क्योंकि इसकी जगह ही नहीं है ना एग्जॉस्ट वाला सीन नहीं होता, कस्टमाइज हो जाएगा यार, क्या चीज़ कस्टमाइज भी हो। हाँ, ये होता है, इसी को कस्टमाइज कर सकते हैं। बाकी इसके ये टायर पर फॉइल है, ये मेरे ख्याल से भाई ग्रिप बहुत अच्छी है इसकी यार, ग्रिप बहुत अच्छी है यार, ये ना रोड चलाया मैंने, मतलब इसकी 3.50 ये मतलब मैक्सिमम होगा 110 या 120 के अराउंड अबाउट, मतलब इसकी इसका अपना टायर साइज है, मतलब एक दूसरे टायर के साथ कंपैरिजन करें तो मेरे ख्याल से 110 के आसपास इसका साइज़ बनता होगा। और इसकी बैक की तरफ जाएं, बहुत मज़े के इंटीग्रेटर गोल्स इनको दिए हुए हैं, ठीक है, लाइट्स एक बड़ी प्यारी सी दी हुई है, बैक स्टैंड दिया हुआ है, ठीक है, और बैक मोटर गार्ड इसको दिया हुआ है, मतलब फुल जिस तरह बाइक को मतलब 71:5 होते हैं, फ्रंट पर ये लाइट दी हुई है, ये क्या सीन है? अच्छा, ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल का अच्छा जैसे साइंस आ जाते हैं, मीटर के आधे ऑप्शन इसमें डाल दिया है। अच्छा, ठीक है, और उसके बाद फ्रंट भी सेम ऐसे इंडिकेटर दिए हैं, उसके बाद इसके लाइट के साथ इसका मीटर दिया हुआ और बहुत प्यारा सा मीटर दिया है, स्टीयरिंग इसका बहुत प्यारा सा हैंडल जो इसका देख सकते हैं, हैंडल बार बहुत मजे का दिया हुआ है, स्टीयरिंग है इसका। अच्छा, ये कैसी है, ये कैसी बात है,
मैथ्स में कोई इसकी कोई सेटिंग सेटिंग होती हो? नहीं नहीं सेटिंग मेरा नहीं है, ऐसे ही वैसे ही मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। इसका हैंडल यहाँ से लूज टाइट यहाँ से, हाँ यही बता रहे यहाँ से कोई चीज़ क्या पता होगा ना। ये देखिए आगे, हाँ एडजस्टमेंट है, हाँ ये देखिए हैंडल की एडजस्टमेंट है, ये इसके हैंडल की एडजस्टमेंट है। हाँ और उसके बाद ये फ्रंट आ गया इसका, ये मोटर गार्ड देख लें इसका फ्रंट, इसकी शॉक्स यार, इसकी शॉक्स भी चेक करा मुझे इसकी, ये ब्रेक आ गई इसकी भाई, बहुत ही मज़े की चीज़ है, बहुत ही मिनी सी चीज़ है, ठीक है मतलब ये लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाली चीज़ है। ये इसके यहाँ पर टापे लगे हुए हैं, इसका टिन लगा इस साइड का लगा हुआ, ये इसका टापा लगा हुआ है ठीक है, और मुझे मुझे तो काफ़ी मजबूत लग रही है ये चीज़ ठीक है। मुझे इसकी इस फ्रंट सस्पेंशन चाहिए, बैठ है इस पर एक बार बैठ इसके ऊपर, हाँ चल एक मिनट इधर आ जा मैं बैठता हूँ, पकड़ इसको पकड़ बैठ के चेक करते हैं बोर्ड के। मेरा जो वेट है ना वो तकरीबन है 86 के अराउंड, 86-87 वेट होगा मेरा ठीक है। और फ्रंट से मज़े कीजिए अभी इसके भाई, अब वाह अब हमें इस पर वरायटियाँ चेक करा वरायटियाँ डालते हैं आज। सो अभी उजैर भाई को कहते हैं फिर थोड़ी बहुत वरायटियाँ चेक करें, चले उजैर भाई तो बस कर रहे, वो तो जरा सी जगह थी जो रात को तो स्टेटस लगा रहा था, जरा सी जगह यार। ये लाइट अच्छी लाइट देख ली है कि कलर है, ये अप एंड डाउन जा रही है, ये क्या सीन है ये लाइट का? हाँ अच्छा ऑफ ऑन क्या, और इंडिकेटर लगाई सही है, बैक से लाइट, अगली अगली ब्रेक का भी ना करके वो चेक करेंगे, इधर ले आए इधर नहीं नहीं इधर सही है, सप्लाई सप्लाई नहीं छुट्टे थे उधर ही, ये थंबनेल ले लेगी हाँ इसके इंशाल्लाह। ये ज़हर भाई फ्री नहीं होते, इनके पास टाइम ही नहीं होता, अगर जिस दिन फ्री हुए तो इसको ना 70 के साथ, अच्छा इस, अगर इसको 70 अगर अगर इनका ये कहना है कि अगर इस बाइक को 70 के साथ जोड़ा जाए ठीक है तो ये जीत जाएगा ठीक है। अब देखते हैं कोई 70 ये कहते हैं अरेंज करते हैं उसके साथ जोड़ के चेक करते हैं ये वाकई सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं कि ये वाकई इसको कम कर सकता है, कभी टेस्ट टेस्ट नहीं किया ठीक है, अच्छा टेस्ट करेंगे इसे, टेस्ट करेंगे मतलब आपका कहना है कि निकल जाएगा ठीक है, 10 पावर है मगर मिनी टायर्स है, अगर ना भी निकला बराबर आसपास होगा चलो फिर वो तो देख लेंगे यार, एक सर्कल मार के दिखाओ एक सर्कल, अब एक व्हील मैंने इसे यहाँ से थंबनेल निकाल लिया तेरी, एक मिनट रुक जा चल एक और आगे जरा सा एक और थंबनेल निकाल लिया इसी तरह स्टार्ट किए बगैर कार नहीं उठता ये मेरा सागे कर बाइक बाइक आगे आने दे बाइक आगे आने दे उधर कर उधर उधर इस तरफ ये अब चल
निकल आई है। सो गाइस, बाकी मैं ज़ाहिर भाई के नीचे आईडी भी दे रहा हूँ, नंबर भी दे रहा हूँ, अगर किसी बंदे ने कांटेक्ट करना हो तो ज़ाहिर भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं आप। और इस बाइक की प्राइस क्या है, प्राइस अभी बता दें। प्राइस इसकी भी भाई कमेंट से प्राइस आपको नहीं बताते वरना आपने कंफ्यूज हो जाना है। तो प्राइस आपको कमेंट सेक्शन में बताएंगे या ज़ाहिर भाई आपको खुद आप ज़ाहिर भाई के नीचे नंबर आ रहा होगा, ठीक है, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और बाकी इसकी जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको ज़ाहिर भाई ही देंगे, ठीक है। बाकी मेरे ख्याल इस बाइक की होगी, स्कूटी की होगी, फोर व्हील्स क्वाड बाइक जो भी, ऑल कैटेगरीज बाइक्स, टू व्हील्स, कोई भी बाइक है, एनी अदर बाइक, जो भी बाइक आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, से लेकर भाई हमारे पास चाइना बाइक बाइक तक भी अवेलेबल है। हाँ बस हमें ही नहीं देते एक तो बाकी आपको ब्लॉग अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और लाजमी बताना है, ठीक है, कि आपको बाइक कैसा लगा है। और जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो बाइक को लाजमी टिकटॉक में जाकर फॉलो करो। थैंक यू सो मच।